आप भी अगर एक्ने और पिंपल से परेशान है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ एक DIY स्किन टोनर शेयर कर रही हूँ। इस स्किन टोनर के बारे में इतना बता सकती हूँ, जो लोग इस स्किन टोनर को रेगुलर वाइज इस्तेमाल करेंगे, उसके स्किन पे, उसके फेस पे कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप लोग के फेस पे किसी की तरह प्रॉब्लम है, जैसे एक्नी है, पिंपल है, नहीं तो एक्नी मार्क्स है, पिंपल मार्क्स है, पिगमेंटेशन है, ओपन पोर्स है, कुछ भी परेशानी आपके फेस में है, तब भी आप इस टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टोनर आपके स्किन को टोन करता है। आपका अगर ऑयली स्किन है तो ऑयल को कंट्रोल करता है, अगर ड्राई स्किन है तो ड्राइनेस को ख़त्म करता है। ये टोनर आपके स्किन को इवन करता है, ये आपके स्किन के टेक्सचर को ठीक करता है और हेल्दी बनाता है। देख लेते हैं इस टोनर को मैं किस तरह बनाती हूँ। इस टोनर को बनाने के लिए हमें चाहिए एक पतीला। इस पतीले में आप 2 कप पानी ले दीजिए, उसके पास गैस ऑन कर दीजिए, पानी को उबलने के लिए छोड़ दीजिए। जब पानी में उबाल आ जाए तब 2 ग्रीन टी बैग उसमें डाल दीजिए। आपके पास अगर लूज ग्रीन टी है तो आप इसमें 2 चम्मच डाल दीजिए। जब पानी आधा से भी कमती हो जाए तब गैस को बंद कर दीजिए, पानी को ठंडा कर लीजिए। उसके बाद इसमें डालना है टी ट्री एसेंशियल ऑयल। टी ट्री एसेंशियल इज़ बेस्ट ऑयल टू ट्रीट योर एक्ने एंड पिंपल्स। ये आपके स्किन टोन को ठीक करता है, फेस में जितने फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, उसको भी ख़त्म करता है, एजिंग प्रोसेस को कम करता है। इसके बाद इसमें 7 ड्रॉप्स टी ट्री एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए। डालने के बाद आप इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में, नहीं तो ग्लास कंटेनर में डाल के आप फ्रिज में इसको रख दीजिए। इस टोनर को दिन में जितना बार चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इस टोनर को इस्तेमाल करने से पहले आप फेस वॉश से अपने फेस को धो लीजिए, उसके बाद पोंछ लीजिए, उसके बाद आप टोनर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप टोनर को स्प्रे बॉटल में रखते हैं तो स्प्रे करके अपने फेस में लगा लीजिए, नहीं तो कोई भी कॉटन का हेल्प लेके आप पूरे मुंह में अच्छी तरीके से लगा लीजिए। लगाने के बाद 5 मिनट्स छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद आप मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे फेस में मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, देखिएगा आपकी स्किन में जितने परेशानी है सब दूर हो जाएगी। इसे आप मेल हो, फीमेल हो, सबको इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पे टी ट्री ऑयल इस्तेमाल की हूँ, अगर आप बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए देंगे तो आप इसमें गुलाब जल मिलाइएगा, टी ट्री ऑयल नहीं मिलाइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।